महिला जिला कांग्रेस कमेटी ने आज पुनः रसोई गैस में 50 रुपए कीमत बढ़ाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा रसोई गैस में पुनः 50 रुपए की वृद्धि किए जाने के विरोध में महिला कांग्रेस ने चिरमिरी में अपना विरोध एक अलग अंदाज में किया। महिलाएं पहले तो चूल्हा बनाकर लकड़ी खाना बनाई, उसके बाद गैस सिलेंडर हाथों में उठाकर केंद्र में मोदी सरकार के विरोध में नारे लगाए। क्षेत्र के विधायक विनय जायसवाल व निगम महापौर भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। केंद्र सरकार के विरोध में आज हम महिला कांग्रेस मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गैस सिलेंडर का दिन ब दिन दाम बढ़ता चला जा रहा है, 1100 से 1150 हो गया, 50 रुपए रेट और बढ़ गया। ऐसे में हम महिलाओं का रसोई का बजट बिल्कुल बिगड़ता चला गया है और हम आज चूल्हा जलाकर आज हमको खाना बनाना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन में देखा गया कि लकड़ी से आप खाना भी बनाए हैं। जी, हम आज मैं सभी महिलाओं को, आज तो कुछ महिलाओं को ही देखे हैं लकड़ियों से खाना बनाते, इसके बाद अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती गई तो आज पूरे देश में इसी तरह लकड़ी से ही खाना बनाया जाएगा। जिस तरह लगातार रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, इससे पूरा बजट बिगड़ जाता है, घर चलना मुश्किल होता है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज विरोध करते हुए हम महिलाओं ने लकड़ी से खाना बनाया, यही हाल रहा महंगाई का, तो एक समय आएगा कि पूरा देश लकड़ी से खाना बनाएगा। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक ने कहा कि मोदी जी जिस तरह महंगाई बढ़ा रहे हैं, इससे महिलाएं काफी परेशान हो रही हैं। अभी तो सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया है, इसके बाद महिलाएं मोदी जी व जितने केंद्र मंत्री हैं उनको साड़ी व चूड़ी बिंदी भेजेंगे। कोरिया से कविराज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देखिए, पूरे देश की जो महिला कांग्रेस है और खास करके प्रदेश की महिला कांग्रेस, जिला महिला कांग्रेस के द्वारा आज जो गैस की अचानक से जो रेट मोदी जी की सरकार ने बढ़ाया है और जिस तरह से महंगाई, खास करके महिलाओं की रसोई की बात करें तो जिस तरह से जो राशन महंगा हुआ है, जो खाद्य तेल महंगे हुए हैं, जो गैस के दाम महंगे हुए हैं, और जो मोदी जी की सरकार ये बोल के कि हम महंगाई को कम करेंगे और इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ा दी है, इसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था जिसमें हमारी महिलाओं ने एक सांकेतिक लकड़ी का चूल्हा जला के यहाँ चावल बनाने का काम किया है और एक संदेश देने का काम किया है कि मोदी जी की सरकार सुधर जाए, नहीं तो फिर कांग्रेस की महिलाएं जो है अभी तो धरना प्रदर्शन किए हैं, आने वाले समय में मोदी जी और जो भी खाद्य मंत्री और जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनको चूड़ी और क्या क्या होता है वो सब भी चूड़ी और टिकली पहनाएंगे का काम।